हे गाइस, मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज। और आज हम लोग रिएक्ट करने वाले एक बहुत ही पुराने मूवी के ट्रेलर पर, जो है बिन रोए। और ये 2015 में रिलीज़ हुआ था। मैंने ज़्यादा वो टाइम का पाकिस्तानी स्टफ देखा नहीं है एक्चुअली। मैंने तो मुझे नहीं देखा ना, उतना पुराना नहीं है। मतलब मैंने इससे पहले वो टाइम में बस मुझे इतना पता था कि ये जो फवाद खान है वो सब मुझे पता था कि वो पाकिस्तानी एक्टर है जो इंडिया में काम किया है। राहत फ़तेह अली खान वगैरह उनके बारे में मैंने सबसे ओल्डेस्ट पाकिस्तानी ड्रामा देखा है प्यारे अफजल, जो 2013 का था। तो ये सेकंड सबसे ओल्डेस्ट पाकिस्तानी कंटेंट है मैं जो देख रहा हूँ। मतलब मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, सॉरी वीडियो स्टार्ट करने के पहले। YouTube स्टार्ट करने के पहले तूने कौन सा ड्रामा देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पता था, जिंदगी गुलजार है के बारे में पता था और हम सफ़र के बारे में पता था, नाम सुना था। हाँ। क्योंकि इंडियन टीवी पे आता था वो। राइट। तो जिंदगी चैनल पे आता था, तो मैंने ऐसे ही देखा हुआ टीवी पे चालू के, लेकिन कभी खुद से देखा नहीं था। एंड फिर सबसे पहला पाकिस्तानी ड्रामा जो मैंने देखा वो खानी था। भाग्यश्री के साथ साथ में देखा था। फिर उसके बाद सबसे ओल्डेस्ट कंटेंट लेकिन प्यारे अफजल देखा था, ये सेकंड रहेगा। ठीक है। और इसके बाद एक ड्रामा भी बना, ये सेम बिन रोए का, नेक्स्ट ईयर 2016 में ड्रामा रिलीज़ हुआ। ओके। एंड बहुत कम एपिसोड्स थे, आई थिंक 15-17 एपिसोड्स थे। बट ये मूवी का ट्रेलर देख रहे हैं हम लोग। उसके बाद OST पे भी रिएक्ट करेंगे। मोमिन आल रहे। और इसमें माहिरा एंड हुमायूं सईद। फूलों की खुशबू, पहली बारिश। यार लग रहा ही नहीं है 2015 का ड्रामा है। क्या क्वालिटी है। क्वालिटी वही तो अभी की क्वालिटी लग रही है। क्या है प्यार? प्यार तो कुछ भी नहीं, बस प्यार है, सिर्फ प्यार। मेरा क्या शाइन हो रही है। वो तो है, और पहले से ज्यादा, मतलब अभी से ज्यादा पहले बहुत। मुझे सीरियसली प्यार हो गया। अभी भी जबरदस्त दिखती है ऐसा तो है, लेकिन इसमें तो कुछ ज्यादा ही। अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा ऐसे। अम्मा, मैं आपको एक बात, कोई गलत नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे मार डालें लेकिन ये शादी करने को ना कहें। ऐसा लिखा हुआ था, ए स्टोरी ऑफ लव एंड हेट। काफी नॉन एक्टर्स हैं। ये गाना सुना हुआ है मैंने। हाँ, हो ये बहुत फेमस सॉन्ग है, अक्सर पंजाबी गाने। आप मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ ले आए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो कहेंगे मैं करती चली जाऊं। तुम्हारी उम्र में तो लड़कियां रोमांस पढ़ती हैं। शायद मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ। तुम थोड़ी नहीं, काफी डिफरेंट हो। ये क्या चल क्या रहा वाला सीन तो नहीं है ना। हुमायूं सईद भी क्या रोमांटिक एक्टर लगता है ना, सीरियसली। मैं सेकंड टाइम हुमायूं सईद पर रिएक्ट कर रहा हूँ, मतलब जैसे कि जो मूवी है या ड्रामा में हुमायूं सईद है। तो इससे पहले इसने सिर्फ पंजाब नहीं जाऊंगी मैं देखा, तो उसमें भी दोनों भी टाइम हुमायूं सईद ने ऐसा ही किया है। तो यार स्पेशली इनको इसके लिए कास्ट किया जाता है, रोल के लिए। हाँ, कास्ट किया जाता है कि क्या यार, मतलब इसमें भी अभी वैसा। लेकिन हम लोग 100% नहीं बोल सकते क्योंकि ट्रेलर से ऐसा लग रहा है। वो जरूरी नहीं कि स्टोरी में वो एक्चुअली चीट करे, ऐसा हो सकता है। माहिरा, कुछ ट्विस्ट हो सकता है वो तो, लेकिन ये ट्रेलर से ऐसा लग रहा है। जबरदस्त एक्टर है, रोमांटिक एक्टर है और बहुत, मतलब बढ़िया है यार। अभी हम लोग OST पर रिएक्ट करते हैं। शिराज उप्पल, जबरदस्त रहेगा होता। जिंदगी इस प्यार में जिस राह चली, पाई है उस राह में एक बंद गली। मतलब सामने वो लड़की भी है, क्या है यार। हुमायूं सईद चीट कर रहा है यार, कितना क्या कॉन्फिडेंट है यार। दो लड़कियां, ये बताओ सामने माहिरा है। हाँ। कौन चीट करेगा? मैं वही कह रहा हूँ कि हुमायूं सईद पे मतलब हमेशा दो लड़कियां मरती है। हमने इससे पहले पंजाब नहीं जाऊंगी देखा, तो उसमें भी वही सीन था इसके लिए। लेकिन माहिरा सामने होके कौन किसी और लड़की को देखता है। वो तो है जस्ट अ गेम यार, इट्स नॉट जस्ट अ गेम। बिन रोए कराची का बीच होगी, बिन रोए एक साथ ये क्या है यार? You're so handsome. तो कोई भी लड़की आपसे मोहब्बत कर सकती है। कितना डिफिकल्ट होता है। तुम पराई हो जाओगे। बहुत याद आओगी। दोनों को साथ में ट्रिप पे लेके गए। भाई मैं वीडियो के बाद एक बात कहने वाला हूँ। खुदा करे कि तुम हमेशा खुश रहो, कोई गम कोई दुख तुम्हारे करीब ना आए। लेकिन ये देखना भी चाहिए कि इसमें हुमायूं सईद को कौन ज़्यादा पसंद है। हुमायूं सईद को दोनों भी पसंद करती है, लेकिन हुमायूं सईद किसको पसंद करता है वो भी देखना चाहिए। वो तो है प्यार हो गया। हर पल बनी एक आस में, क्यों प्यार से नफरत ना हो। जीना अगर है प्यास में, बारिश भी आंसू बोए, सूखा मन चीर भिगोए रह जाए। बिन रोए बिन रोए इख्तियार तुमसे मुझसे हम सबसे ज्यादा उसे चाहते हैं। अगर सभा भी तुम माने ना एक्टर का नाम क्या है? मुझे याद नहीं। इतना आसान होता है यार, कितनी सफर करती है इसमें माहिरा यार। ये बहुत जबरदस्त था। सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि माहिरा शाइन कर रही है इसमें। क्या ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत बहुत मतलब बहुत। एंड देखो माहिरा का हम लोग ने इतना तारीफ़ कभी किया नहीं है इस चैनल पे। हमें पता है शी इज़ ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड, लेकिन हम लोग इतना पहली बार हम लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है। एंड यार बहुत बुरा लग रहा है कैरेक्टर के लिए। ये एक्चुअली हुमायूं सईद का मतलब ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये मैं फ़नी उसमें बोल रहा हूँ। ये हुमायूं सईद एक दिन में 2-2 वनडे खेल रहा है, मतलब ये ऐसा हो गया है कि नहीं? एक ही पिच पे 2 मैचेस खेल, ये ऐसा हो गया। मतलब बैट्समैन भी खुद ही है, बस डॉलर कौन ये करता है ऐसा? कौन कि वाइफ और गर्लफ्रेंड, आई डोंट नो ये इनका क्या रिलेशन है, देखते नहीं है ये ड्रामा। मतलब मैं ड्रामे के बीच में भी यही कह रहा था, सॉरी OST के बीच में भी मैं यही कह रहा था कि इसमें से दोनों ये क्लियर हो गया कि दोनों एक्ट्रेस हुमायूं सईद को पसंद करती है, लेकिन हुमायूं सईद किसको पसंद करते हैं वो देखने जैसा। हुमायूं सईद यार दोनों के साथ नज़र आ रहे हैं, मतलब अभी क्या है मतलब। और वो भी वाइफ ही है ऐसा लग रहा है कि, हाँ। क्योंकि माहिरा बोलती है ना, मेरे मर्जी के बगैर मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ ले आए। ये थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग रहेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे ना ऐसे चीज़ देख के ना बहुत बुरा लगता है सीरियसली। कि एक तो मुझे चीटिंग कोई शोज़ में देखना पसंद नहीं, इवन दो आई वुड से कि रियल लाइफ में भी होता है सबके साथ। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि मेरे पास तुम हो उसमें इसके साथ ये उल्टा रोल है। उसमें हुमायूं सईद बोलना चाहिए कि पता नहीं, आकाश ने वो ड्रामा देखा नहीं है, आप लोग ने तो देखा होगा तो आप लोग को पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो हमेशा बुरा लगता है कैरेक्टर के लिए जिसके साथ ऐसा होता है। ये जो एजाज खान के साथ है, हाँ। लेकिन वो ड्रामा के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि स्पॉयलर्स हो जाएंगे। आकाश देखना चाहता है वो ड्रामा, हाँ होता है तो इंटरेस्टिंग होगा ये, लेकिन बहुत बुरा भी लगेगा देखते वक्त ऐसा लग रहा। मुझे सीरियसली ऐसे ड्रामास मुझे तो मूवी देखेगा क्या ड्रामा देखेगा? मूवी तो क्या 2 आवर्स में या 2.5 आवर्स में ख़त्म हो जाएगा स्टोरी। हाँ, इसका मूवी भी है और ड्रामा भी है। नहीं, वो जो आयजा खान वाला है वो वाला ड्रामा देखना हुमायूं सईद के साथ। अच्छा, वो बहुत बड़ा हिट है वो देख ले, वो 30 एपिसोड्स का कुछ है, 30-31 फिर तो ठीक है, वो मैं देखना चाहूँगा। नहीं लेकिन बिन रोए का तो मूवी देखना चाहेगा या फिर ड्रामा, क्योंकि मूवी तो 2-2.5 आवर्स में खत्म हो जाएगा। दोनों भी देखना चाहूँगा, या तो पहले, लेकिन पहले मूवी देखना चाहूँगा। लेकिन ड्रामा में वो स्टोरी को एक्सपांड किया आई थिंक। ओके, तो आपको ज़्यादा डिटेल्स मिलेंगे ड्रामा में, लेकिन मूवी में जल्दी से देख के एक ही दिन में देख सकते हैं ऐसा। तो फिर ड्रामा देखना बेस्ट रहेगा। हाँ, मैं भी वही प्रेफर करता हूँ, स्टोरी को पूरी तरह से एक्सपांड करके। ड्रामा में थोड़ा स्टोरी ज़्यादा देखने मिलेगा, तो फिर ड्रामा देखना ही बेस्ट रहेगा मेरे लिए। और वो रिलेशनशिप्स को डेवलप होते हुए देखने में भी, फिर ज़्यादा हो सके तो मूवी ट्राई कर लूँगा, ऐसा भी कर सकता हूँ। नहीं लेकिन अगर ड्रामा देख लिया तो आई डोंट थिंक मूवी देखने का ज़रूरत है। वो तो है, जो भी है। बहुत ही शिराज उपल की वॉइस ज़बरदस्त। मुझे पहले फलक शबीर ऐसा लगा, अच्छा, लेकिन फलक शबीर नहीं है। लेकिन फिर भी ये ओएसटी बहुत ज़बरदस्त था, जिसने ये गाना जो गाया हुआ है उनका वॉइस भी काफ़ी ज़बरदस्त था। और हुमायूं सईद तो जैसे तूने कहा है मुझे, और मैंने खुद ने भी देखा है, उनकी एक्टिंग काफ़ी ज़बरदस्त है। मतलब वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। नहीं यार सीरियस, सिर्फ पाकिस्तानी मूवी इंडस्ट्री का नहीं बोलूँगा, ओवरऑल भी सैड एक्टिंग में, खासकर रोमांटिक में एक टाइम लगा कि बहुत अच्छा एक्टिंग किया। लेकिन सीरियस एक्टिंग यार, सीरियस एक्टिंग में बहुत इमोशनल सीन्स में सब बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो ओवरऑल अच्छा लगा हमें। एंड अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। लेकिन हम टीवी को भी पूरा क्रेडिट जाता है, लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो इस वीडियो को शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाए बिना जाना मत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, बाय।